ऑलराइट गाइस, तो इतने सारे फ्राइज देख के मुंह में पानी आ गया ना, अभी पूरी वीडियो देखना और पानी आने वाला है। तो यार आज आई एम ऑन अ फ्राइज रन, तो इसमें मैं दिल्ली की कुछ ऐसी यूनिक प्लेसेस कवर करने वाला हूँ जहाँ पे बड़ी यूनिक वैरायटीज़ के फ्राइज सर्व होते हैं। एंड अभी आई एम एट जीरो डिग्री कैफे विच इज़ लोकेटेड इन गुड़गांव एंड दे हैव अ यूनिक लाइनअप ऑफ फ्राइज। तो अभी आई एम गोना ऑर्डर फ्यू फ्राइज एंड देन आई एम गोना सी यू इन अ वाइल। Alright guys, I'm back and I have these cheese peri peri fries with me. Just have a look, bhai, इन्होंने ऊपर से ऊपर तक भर दिए हैं। और जो नॉन वेज वेनिंग में मेरे पास फ्राइज हैं, दीज आर दी चिकन पॉपकॉर्न फ्राइज। सो दिस इज फॉर 219 rupees जो चिकन वर्जन है एंड दिस इज़ फॉर 179 rupees। सो लेट मी टेल यू व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। इन्होंने एक बीकर के अंदर बहुत सारे पेरी पेरी फ्राइज डाले और बीच में भी अगर आप देख पाओ तो इसके अंदर इन्होंने मेयोनीज और तंदूरी सॉस डाली और उसके ऊपर पेरी पेरी फ्राइज डाल के थोड़ी और मेयोनीज डाली और फिर थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला स्प्रिंकल किया। एंड अगर मैं नॉन वेजिटेरियन वर्जन की बात करूँ तो इन्होंने इसके अंदर मसाला फ्राइज डाले, फिर साथ में इन्होंने चिकन पॉपकॉर्न के बहुत सारे पीसेस डाले, ऊपर इन्होंने तंदूरी मेयोनीज डाली एंड म्यूनीस डाल के ऊपर थोड़ा सा ओरिगेनो डाल के सर्व कर दिया। एंड फ्राइज तो बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहे हैं, आई जस्ट कांट वेट टू टेस्ट देम। आई एम गोना ट्राई वेजिटेरियन ऑप्शन फर्स्ट, दीज आर माई पेरी पेरी चीज़ फ्राइज। ऑलराइट, वाओ यार, पेरी पेरी फ्राइज का कॉम्बो इन म्यूनीस के साथ बहुत अच्छा जा रहा है। साथ में इन्होंने जो तंदूरी सॉस डाली है, इट्स जस्ट अ चेरी ऑन द टॉप। I'm just loving it. So it's time to taste chicken popcorn fries. So, alright. Guys, major फ़र्क इसमें यह है, इसमें जो फ्राइज इन्होंने यूज़ किया ना, दो हज़ार मसाला फ्राइज, और इसमें इन्होंने पेरी पेरी फ्राइज डाले हुए हैं। इसके अंदर जो म्यूनीज है और उसके अंदर जो म्यूनीज है वो मुझे सेम लग रही है, बट इसके अंदर इन्होंने ओरिगैनो डाला हुआ है तो इसका फ्लेवर एकदम डिफरेंट आ रहा है। ओह वाओ, एक बात तो ध्यान से सुन लो आप, आई जस्ट लव दीस फ्राइज। फ्राइज की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है, मुझे थोड़ा टाइम लगने वाला है इनको ख़त्म करने में। सो इनको मैं ख़त्म करता हूँ एंड देन आई गोना सी यू एट द सेकंड स्पॉट ऑफ द डे, सी यू इन अ व्हाइल। Alright guys, so I am at the second location of the day. तो मैं आया हुआ हूँ अभी बेल्जियन फ्राइज में, which is located in MGF Mall, गुड़गांव। तो मैंने अभी अभी इनके लोडेड फ्राइज ऑर्डर किए हैं और मैंने ऑर्डर किया है वेजिटेरियन ऑप्शन में दीज मैक्सिकन फ्राइज एंड दिस इज़ एक्चुअली दी स्मॉलर वर्जन। और साथ में मैंने ऑर्डर किया है बारबेक्यू चिकन एंड चीज़ फ्राइज। सो यू नो व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना डिग राइट इनटू इट। तो सबसे पहले मैं वेजिटेरियन ऑप्शन अपना टेस्ट करूँगा। तो सबसे पहले नीचे इन्होंने फ्राइज डाले हैं, उसके ऊपर इन्होंने सालसा डाली है और उसके ऊपर इन्होंने सार क्रीम डाली है। सो लेट्स गेट ऑन टू इट। ऑलराइट, इट्स सो गुड। मतलब बाइट के अंदर टमेटो का बड़ा रिफ्रेशिंग सा फ्लेवर आ रहा है और ऊपर से ये सार सॉस, ओए होए होए। ऑलराइट, टाइम फॉर दीज लोडेड फ्राइज। भाई मुझे पता है मुझे बहुत पसंद आने वाले हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे इन्होंने चीज़ डाला हुआ है और ऊपर इन्होंने रेड पेपरिका डाली हुई है। सो लेट्स जस्ट टेस्ट इट गाइस। एज आई एक्सपेक्टेड, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। सिंगल हैंडेडली
चीज़ जो है इन फ्राइज़ को इतना ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, और ऊपर से चिकन के पीसेज, ऑल्दो चिकन बहुत कम डाले इन्होंने, इट्स सो गुड। मैं ना ये खाता रह जाऊँगा, तो जब तक मैं अपने फ्लो में चला जाऊँ उससे पहले मैं आपको प्राइसेस बता देता हूँ इनके। दिस इज़ फॉर 129, दिस इज़ फॉर 129, और ये स्मॉल वाले वर्जन है, और जो रेगुलर वर्जन है वो 169 का है। तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है मुझे रेगुलर लेने चाहिए थे, इतने टेस्टी हैं फ्राइज। फ्रेंड्स, आई एम गोना क्विकली फिनिश माय फ्राइज एंड फिर चलते हैं आज की थर्ड लोकेशन पे। सी यू इन अ व्हाइल। ओके गाइस, थर्ड वैरायटी इज द इंडियन चाट फ्राइज, और ये इंडियन चाट फ्राइज मैंने लिए हैं वड्डा बर्गर से। तो यार, वड्डा बर्गर के बहुत सारे आउटलेट्स हैं दिल्ली में, मुझे नहीं पता दिल्ली के बाहर भी हैं या नहीं। तो मैंने ये फ्राइज लिए हैं और ये काफ़ी यूनिक है एक्चुअली। इसके अंदर इन्होंने काफ़ी सारी वेजीज डाली हैं, मुझे कैप्सिकम नज़र आ रहे हैं, अनियंस हैं, और बेल पेपर भी थोड़े बहुत नज़र आ रहे हैं, और फ्राइज़ के अंदर इन्होंने कोई अपनी ग्रेवी डाली है और उसके ऊपर नींबू निचोड़ के दिया है। मतलब देखने से तो यही लग रहा है। नाउ लेट्स टेस्ट इट। मुझे कहना पड़ेगा जो इन्होंने ग्रेवी इसके अंदर डाली है उसकी वजह से फ्राइज सॉगी नहीं हुए हैं, अभी भी वो क्रिस्पीनेस है इसके अंदर। और यार, जैसा नाम है ना इसका, एकदम वैसा ही फ्लेवर आ रहा है, बिल्कुल चाट वाला फ्लेवर आ रहा है। बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज कि इन्होंने ज़्यादा ओवरडू नहीं किया हुआ है, इसके अंदर ज़्यादा मसाले नहीं डाले हुए इन्होंने, एंड उसकी वजह से ना वेजीज का फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है फ्राइज के साथ। सो यार, दीज फ्राइज आर टोटली रॉकिंग, और इनका प्राइस है 119 rupees विदाउट टैक्सेस, एंड आई एम गोना क्विकली टेक यू टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डे। Alright, ladies and gentlemen, so I am at the fourth location of the day, और मैं आया हुआ हूँ Cafe Diaries, which is located in सत्या निकेतन। तो मैंने इनके साडे फ्राइज ऑर्डर किए हैं और दिस इज व्हाट आई गेट, बट अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट गेट टू शूट इनसाइड देयर कैफे, आई मीन इनसाइड देयर किचन। तो मैंने उनको कहा यार आप मुझे बना बनू के दे दो, अंदर म्यूजिक भी बहुत लाउड था। तो अब हम आ गए हैं अपनी कार में, एंड हेयर आर माई साडे फ्राइज। जस्ट लेट मी टेल यू गाइज की वॉट्स गोइंग ऑन हेयर। इन लोगों ने करा क्या है कि एक बड़ी सी स्टिक ली, उसके ऊपर इन्होंने बहुत सारे पेरी पेरी फ्राइज लगाए, बहुत सारे तो नहीं, एटलीस्ट 10 से 15 फ्राइज लगाए, और उसके ऊपर चीज़ डाला, बहुत थोड़े से वेजीज डाले, और इसको बेक कर दिया, एंड हियर वी आर। तो इन्होंने यार मुझसे 150 rupees लिए और इन्होंने मुझे ऐसे दो दिए, तो आई एम गोना ईट इट राइट नाउ एंड चेक आउट की इनका टेस्ट कैसा है। सो फ्रेंड्स, पेरी पेरी फ्राइज ना चीज़ के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं कहीं ना कहीं यार यहाँ पे वेजीज को मिस कर रहा हूँ, अगर इन्होंने थोड़ी सी ज़्यादा वेजीज डाली होती तो थोड़ा और मज़ा आता। और यार अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो इसका प्राइस 150 rupees है, जो कि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है कंसिडरिंग दी क्वान्टिटी ऑफ दिस फ्राइज। आई एम गोना क्विकली रैप अप दिस फ्राइज एंड फिर मैं आपको लेके जाने वाला हूँ आज की फाइनल लोकेशन पे। और यार वहाँ के जो फ्राइज होंगे ना, दोज आर गोना बी दी डेजर्ट ऑफ द डे। सो वेट करो, लेके चलता हूँ आपको आज की फाइनल लोकेशन पे। ऑलराइट पीपल, तो यार मैं आ गया हूँ आज की अपनी फाइनल लोकेशन पे। तो मैं इस समय हूँ ग्रेटर कैलाश में, एंड मैंने फ्राइज ऑर्डर करे हैं जैक एंड चिल से। दीज आर दी ओरियो फ्राइज, एंड आई नो यार कि ओरियो फ्राइज शायद आपने पहले कभी सुना नहीं होगा। तो इन्होंने पता क्या किया है, फ्राइज को मोल्टेड चॉकलेट के अंदर डिप किया, एंड उसके ऊपर और चॉकलेट सिरप डाली, और काफ़ी सारे ओरियो बिस्किट को क्रश करके उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। एंड दिस पैकेज इज फॉर ₹170 इंक्लूडिंग टैक्सेस। सो आई एम गोना हैव माय डेजर्ट फ्राइज नाउ। ऑलराइट गाइज, मुझे लगा था एक बाउल लेंगे, उसके अंदर बहुत सारे फ्राइज डाल के और ऊपर थोड़ी सी टॉपिंग कर देंगे चॉकलेट की, और थोड़े बहुत ओरियो क्रश करके डाल देंगे एंड सर्व कर देंगे, बट ऐसा है नहीं। जैसे ही मैं एक बाइट लेता हूँ तो चॉकलेट का बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, बट थोड़ी देर में ना वो चॉकलेट का फ्लेवर डिजॉल्व हो जाता है और एक बड़ा फ्लैट सा फ्लेवर आता है फ्राइज का, जो कि मुझे ज़्यादा अच्छा लगा नहीं। बट एनीवे, कुछ नया ये मैंने ऐसा कभी देखा नहीं था पहले, एंड ठीक है, एक्सपेरिमेंट के लिए सही है, बट यार वन टाइम ट्राई तो है ये चीज़, एक ना एक बार तो आपको टेस्ट करनी चाहिए।
सो गाइज जल्दी से मैं इन फ्राइज को ख़त्म करता हूँ एंड उसके बाद आज मैंने जितने भी फ्राइज़ खाए हैं उनको मैं रेट करूँगा एंड आपको बताऊँगा कि आज मुझे सबसे अच्छे फ्राइज़ कहाँ के लगे. तो आई एम गोना सी यू इन 5. Alright guys, I'm done with my Oreo fries and now it's time to decide the winner of the day. तो जल्दी से आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं विनर अनाउंस करता हूँ. मुझे सबसे अच्छे 0 degree के फ्राइज लगे. उसका रीज़न एक्चुअली ये है कि उन्होंने ना यार एक तो प्रेजेंटेशन अपनी फ्राइज की इतनी अच्छी बनाई हुई थी, ऊपर से उन्होंने क्वांटिटी इतनी सारी दी और टेस्ट करके तो होए मज़ा ही आ गया यार. उनके फ्राइज मुझे थोड़े यूनिक भी लगे एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भी एक बार ज़रूर टेस्ट करें. So, फिर दिस इज इट फ्रॉम द फ्राइज रन टूडे एंड आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तो अब आप लोगों को पता है यार क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब यार हमेशा बताता हूँ, कर दिया करो, बिना बताए कर दिया करो अब. तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ईटिंग.